बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये कोई और नावल लग रहा है आपको, तो ऐसे ही है कि आज हम दूसरा नावल स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत मायूसाना रिस्पॉन्स दिया, बहुत बुरा रिस्पॉन्स है यार। लाइफ में कभी नहीं, मैंने जब न्यू चैनल बनाया था तब मुझे कभी 300 व्यूज़ नहीं आए थे एक एपिसोड पर, सिर्फ 300 व्यूज़, हद हो गई यार। तो इसने मुझे ये फ़ैसला लेने पे मजबूर कर दिया कि हो सकता है आपको वो नावल पसंद ना आ रहा हो, तो फिर मैंने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं कि आपको नावल पसंद नहीं आ रहा या मैं पसंद नहीं आ रही, तो देखते हैं। इसीलिए मैंने ये सेकंड नावल स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन जो मेरे 300 व्यूज़ वाले लिसनर्स हैं उनको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बाकी के लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया और भरपूर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो कुछ 5-7 मेरे लिसनर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कमेंट्स किए, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उनके लिए ये है कि उनके लिए मैं आप लोगों के लिए तायरे लहूती के एपिसोड भी दूंगी इंशाल्लाह, कोशिश होगी कि वो भी डेली आए। आज ये ले लें, कल सुबह, मतलब ये कोशिश करूंगी मॉर्निंग में वो दे दिया करूं और इवनिंग में रात के टाइम ये दे दिया करूं, जो न्यू नावल हम स्टार्ट करेंगे वो वाला पढ़ लिया करें, ठीक है। तो ये शॉर्ट नावल स्टार्ट करने लगे हैं, होप सो दो एपिसोडों में एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आए रीड करते हैं अपना नावल। ये जो नावल है ये अच्छा, तो ये जो रोमांटिक नावल है ये एक जो हम आज पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये वाला जो नावल है ये जनाब अली किस पेज पे था, सेकंड मैरिज पेज पे है, हीरो को हीरोइन देखती पसंद आ गई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा, निदा ने बगौर इसकी हथेली का जायज़ा लेने के बाद कहा, तो एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। और तो वो बहुत दौलतमंद भी होगा, निदा किसी के शेफ पर आयशा और मलाइका ने बाकायदा बेहोश होने की एक्टिंग की थी, लेकिन वो इन्हें खातिर में लाए बगैर निदा को देखने में मसरूफ, जो बड़ी संजीदगी से इसकी हथेली को घूर रही थी। निदा ये देखो कि इसकी शादी कब है। आयशा ने होश में आते जल्दी से निदा को झंझोड़ कर कहा, निदा ना हो गई, पामिस्ट हो गई, तुम तो पीछे मरो, शादी इसकी देखने तुम्हें क्या हॉल पड़ रहे हैं। निदा ने दोनों हाथों से इसे पीछे धकेला और फिर से इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। हाँ तो तुम्हारी शादी इसी साल मतवा लग रही है, और गैरों में, टोटली गैरों में, निदा ने हवा में हाथ लहराकर कहा। वो तो इतनी देर से जबत से काम ले रही थी, कहका लगाकर हंस पड़ी और वो जितनी देर से जबत से काम ले रही थी कहका लगाकर हंस पड़ी इसको हंसता देखकर आयशा मलाइका भी हंसने लगी, जबकि निदा गुस्से से घूरने लगी। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, निदा को गुस्से में देखकर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी, वरना निदा का कोई भरोसा नहीं था। पास पड़ी कोक की बोतल उठाकर उसके सर में दे मारती। मैं मजाक तो नहीं समझ रही थी, लेकिन यकीन भी नहीं कर रही, इसने मुस्कुराते हुए कहा। भाड़ में जाओ लड़कियाँ, मुझे हाथ दिखाने को तरसती हो तुम? ओके, सच ही लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तुम्हारी दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें मेरी कदर नहीं किया, ज़माना आ गया, निदा ने अफसरदा लहजे में कहते हुए बाकायदा एक ठंडी सांस फेरी तो मुकद्दस बेख्तियार मुस्कुरा दी। यार मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो तुम मेरे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता रही थी, इसने अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा, लेकिन निदा ने कोई तवज्जो ना दी। ए निदा, ज़रा भावना कहो, वरना मेरी जूती कब से तुम्हारे सर से मुलाकात करने के लिए बेकरार हो रही है। मलाइका के जारहाना अंदाज पर निदा ने जल्दी से मुकद्दस का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी लव मैरिज होगी क्या? आयशा और मलाइका के साथ इसकी अपनी चीख भी निकल गई। इन तीनों के चीखने पर इनकी दूसरी साइड पर बैठे एमए फाइनल के ग्रुप ने घूर कर इन्हें देखा तो वो सब शर्मिंदा हो गए। क्या कहा तुमने? मलाइका आवाज़ नीचे करके गुर्राई तो निदा घबरा के, वो तो पहले इन तीनों के चीखने से डर गई थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी अरेंज नहीं होगी, पहले तुम्हारे वो तुम्हें पसंद करेंगे, निदा ने वो पर जोर देकर कहा। तो आयशा और मलाइका ने कोर्स में ओ की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। वाओ भाई मुकद्दस, यू आर सो लक्की। आयशा ने रश्क भरी नज़रों से इसे देखा तो इसने पास पड़ी किताब उठाकर इसके सर पर दे मारी। और तुम्हारा हस्बैंड काफ़ी फ्लर्ट लग रहा है, या तो इसकी मंगनी टूटी है या अभी निदा की बात भी मुकम्मल हुई थी कि मुकद्दस ने बेसाख्ता अपना हाथ खींचा। इसकी हरकत को इन तीनों ने बहुत चौंक कर देखा था। क्या हुआ? निदा के पूछने पर इसे नफी में हिला दिया। यार फ्लर्ट हुआ तो क्या हुआ, मोहब्बत तो मुकद्दस से करता है ना। माहौल की टेंशन को महसूस करके मलाइका ने मुस्कुरा कर कहा, यह नामुमकिन है कि मैं कभी ऐसे शख्स से शादी करूँ जो फ्लर्टी हो या इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या इसकी कोई मंगनी हुई हो। मुकद्दस ने गुस्से से कहा तो वो तीनों उसका चेहरा देखने लगी। बेशक हैंडसम हो, दौलतमंद हो, ये जो भी हो, इस खूबसूरती और दौलत का क्या फ़ायदा जिसका किरदार ही अच्छा ना हो। मुकद्दस की बात पर आयशा ने एक नज़र बगौर इसका खूबसूरत चेहरा देखा, जो गुस्से में और खूबसूरत हो जाता था। मुकद्दस जहन को इतना तंग रखना भी ठीक नहीं, आजकल के दौर में कौन लड़के जो लड़कियों से बात ना करता, और अगर इसकी मंगनी टूट गई तो इसमें इसका क्या कसूर? हो सकता है किस्मत में ऐसे लिखा हो, और अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता तो ये तुम्हारी खुशकिस्मत ही है, वरना आजकल कौन किसी से मोहब्बत करता है। आयशा ने धीमे लहजे में इसे समझाया तो मुकद्दस ने एक नज़र आयशा को देखा और ग्राउंड के घास नोचने लगी। क्यों क्यों ये मुमकिन नहीं है कि एक लड़का किसी लड़की से बात ना करे, जब वो अपने लिए ऐसी लड़की चाहता है जो सिर्फ इसकी हो, तो एक लड़की ये क्यों नहीं चाह सकती? कम अज़ कम मैं इस बात को नहीं मानती। जब आज तक मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, मैंने खुद को हमेशा किसी की अमानत समझते हुए अपनी हिफाजत की है, कभी खयानत नहीं की, तो वो कैसे मेरी अमानत में खयानत कर सकता है? या फिर इंसान नहीं, इन ज़िंदगी में कई मौके ऐसे, मैं फिर इंसान नहीं,
ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए कि मैं भी अपने नफ्स के आगे बहक सकती थी, लेकिन इसने मैंने खुद को हमेशा ऐसे मौक़ों पर मजबूत रखा है। वो तो फिर मर्द होगा मजबूत, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकता। इसने आयशा की तरफ़ देखा और इसका इशारा समझ कर आयशा चुप कर गई, क्योंकि वो जानती थी मुकद्दस सही कह रही है। क्योंकि आयशा का भाई अली से पसंद करता था और शादी करना चाहता था, इसकी मंगनी टूट चुकी थी, सिर्फ इस वजह से इसकी कई गर्लफ्रेंड थी। इसने भी अली की हौसला अफजाई नहीं की और आयशा इसके ख्याल जानती थी, इसने कभी अली की हमायत नहीं की थी, लेकिन वह चाहती थी कि मुकद्दस इसकी भाभी बने। क्या तुम लोग सीरियस हो गए? ये सिर्फ बातें होती हैं, जस्ट अ फन, हाथों की लकीरें, एक इलम है बस, बाकी गैप का इलम तो सिर्फ अल्लाह जानता है। बात मजाक में हो रही है मुकद्दस, तुम भी ना बस। मलाइका भी आयशा की खामोशी का मतलब समझ गई थी, इसलिए जल्दी से बात बदल दी। मुकद्दस ने एक नज़र आयशा को देखा जो चुपचाप अपने पाँव को देख रही थी। वो शर्मिंदा होगी पता नहीं, हमेशा गुस्से में वैसे ही फजूल बोल जाती थी। सॉरी आयशा, तुम मुझे जानती हो ना, माइंड मत करना, और अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी। मुकद्दस ने आयशा का हाथ पकड़ कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। मलाइका और निदा ने सुकून का सांस लिया। तुम दोनों दफ़ा हो जाओ तो अच्छा है, मैंने मुकद्दस का हाथ देखा, इस खुशी में मुकद्दस ट्रीट देगी। निदा के कहने पर मलाइका और आयशा ने भी जोर देना शुरू कर दिया। इसके नाना करने के बावजूद वो लोग इसे कैंटीन ले जाने में कामयाब हो गई थी। वो चारों बचपन से एक साथ थी, स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र इन्होंने एक साथ तय किया। एक ही सब्जेक्ट के साथ मुकद्दस, निदा और आयशा एक ही स्ट्रीट में साथ साथ रहती थी, जबकि मलाइका का घर इसी स्ट्रीट पर था लेकिन कुछ फासले पर। आयशा के वाले डॉक्टर थे, वो दो बहनें और दो भाई थे, दोनों भाई इससे बड़े थे और बड़ी बहन शादीशुदा थी। मलाइका के वालिद भी डॉक्टर थे, वो तीन बहनें और एक भाई था, और जो इन तीनों से छोटा था, और निदा एक बहन और दो भाई थे। इसके वालिद बैंकर थे, मुकद्दस के वालिद इंजीनियर थे, वो एक बहन और एक भाई था। वो एमए की स्टूडेंट थी, जबकि इसके छोटा भाई खयान आठवीं क्लास का स्टूडेंट था। इन चारों की दोस्ती मजाजों में फ़र्क होने के बावजूद बहुत मजबूत थी। निदा और मलाइका की तबीयत बहुत शौक थी, दोनों बहुत फैशनेबल थी, हर फैशन को आसमाना इनकी आदत थी। आयशा का मजाक दरमियाना था, जबकि मुकद्दस का मजाज कदरे संजीदा था। वो इनके हर मजाक में इनके साथ शरीक होती थी, लेकिन अपने शरीक के सफ़र के बारे में इसकी जो राय थी, इसमें वो किसी किस्म की खामी की रवादार नहीं थी। शुरू में जब बात चलती तो वो अक्सर इसे इतनी शिद्दत पसंदी से मना करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने इस मौजू पर इससे बात करने से गुरेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी हद तक ठीक थी, वो जैसी थी वैसा चाहती थी, और इस काबिल थी कि इसे कोई मुखलिस और खालिस मिले। सही बात है यार, मैं इसकी सोच से टोटली एग्री करती हूँ, बल्कि इसकी सोच मेरी सोच से बड़ी मिलती जुलती है कि भाई अगर बंदा डिमांड कर रहा है कि उसको जो बंदी मिल रही है वो उसके साथ फेयर है, उसका कोई कहीं पे चक्कर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उसका, उसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, तो अगला बंदा क्यों नहीं रख सकता। लेकिन आजकल के दौर में ना ये अगर तलख हकीकत है कि जो बंदे होते हैं ना उन्होंने बंदियाँ तो चंगियाँ लाभ जाएँ, हाय हाय क्या कर सकते हैं। ज़बरदस्त डेकोरेशन तो बहुत शानदार है, मलाइका ने सताईश नज़रों से ईदगीत का जायजा लिया। अच्छी है ना, मैंने अली ने मिल के करवाई है, आयशा ने खुशी से देखा। काफ़ी रश है स्टेज पर, मुकद्दस ने स्टेज की तरफ देखकर कहा। मेरा ख्याल है निकाह हो रहा है, मैं पहले कह रही थी देर होगी, अब चलो, आयशा के कहने पर निदा भी बोल पड़ी। हाँ चलो, लेकिन हम आगे ज़रा आगे की टेबल पर कब्जा जमाएंगे, और देखो आंटी और मम्मी वगैरह भी वही हैं। निदा ने स्टेज के करीब अपने और इनके घर वालों की तरफ इशारा किया। कुर्सियों पर बैठते ही निदा ने हंस पे आदत ईदगीत का जायजा लेना शुरू कर दिया। आयशा के भाई के निकाह था, वो तीनों इसी सिलसिले में आज यहाँ मौजूद थी, और हंसपे मामूल शरारतें शुरू कर दी थी। आयशा मेहमानों पर रवान तबसरा कर रही थी और इनकी बातों पर इनके कहके निकल रहे थे। मुकद्दस ने हंसते हंसते अपना चेहरा टेबल पर टका दिया, जब खुद पर काबू पा लिया तो चेहरा उठाकर इन्हें देखने लगी, जिनकी हंसी अब भी काबू में नहीं आई थी। अचानक इसके मुस्कुराते लब सुकड़ गए, क्योंकि स्टेज की सीढ़ियों पर साख खड़ा वो शख्स एकटक इसे ही देख रहा था। इसने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला था। यार बस करो, अब मेरे जबड़े दुखने लगे हैं। वैसे भी अम्मी कहती है जितना ज़्यादा हंसो इतना ही रोना पड़ता है, और आज मेरे रोने का कोई मूड नहीं, निदा ने हाथ उठाकर कहा। तो मलाइका की नज़र आयशा पर पड़ी, जिसके होंठों पर दबी दबी हंसी अब भी थी। अरे मुकद्दस, तुम क्यों संजीदा होगी? मलाइका ने सर झुकाया मुकद्दस को देखकर पूछा। तो इसने एक नज़र सामने देखा जहाँ वो शख्स अब मौजूद नहीं था। इसने सुकून का सांस लिया। मैं निदा के मशवरे पर अमल कर रही थी। चलो, इसने कभी अपनी बात पर खुद अमल नहीं किया और तुम अमल कर रही हो, मलाइका ने निदा की तरफ देखकर कहा। जहाँ नई शरारत के आसार नुमाए थे, भाभी को ला रहे हैं, मैं आई, आयशा ने स्टेज की तरफ आती दुल्हन को देखकर कहा। वेटर के कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के बाद इन तीनों के दरमियान खामोशी रही, जबकि निदा जायजा लेने में मशरूफ थी। ज़बरदस्त यार, क्या चीज़ है। वेटर के जाने के बाद निदा की पुरजोश आवाज़ पर सब इसकी तरफ मतवजा हो गए। तभी आयशा भी आ गई। क्या हुआ? निदा कोई ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाली है, मुकद्दस ने मुस्कुरा कर कहा। कहाँ कहाँ? आयशा ने जल्दी से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। पागल, वो सामने स्टेज पर ब्लैक डिनर सूट में कसम से क्या बंदा है, निदा इसे घूर घूर कर देख रही थी। अब वो तीनों भी स्टेज की तरफ देखने लगी। वाकई बंदा है, बहुत हैंडसम, काश मेरा रिश्तेदार होता, मलाइका की हसरत भरी आवाज़ पर निदा ने गुस्से से देखा। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, जब भी रिश्ता जोड़ना उल्टा ही जोड़ना और वैसे भी तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम इन एक्टिविटीज़ में तुम्हारा हिस्सा लेना मना, क्योंकि तुम मंगनीशुदा हो। मलाइका बचपन से अपने कज़न से मंसूब थी। मंगनीशुदा होने का मतलब मैं अच्छी चीज़ देखना छोड़ दूँ? मलाइका ने खफकी से देखा। मुकद्दस, तुम्हारा क्या ख्याल है ना खूबसूरत? निदा ने इसे बीच में घसीटा तो इसने स्टेज पर खड़े इस शख्स को देखा। अभी कुछ देर पहले वही तो इसे घूर रहा था।
अपने शानदार सराबे की वजह से नुमाया नजर आ रहा था। मुकद्दस गई काम से, मलाइका ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराकर कहा। बकोमत, मुकद्दस ने छैंप कर इसे घूरा। आयशा, तुम जानती हो इसे? मलाइका के पूछने पर इसने नफी में सर लाया। भाई के कोई जानने वाले होंगे। हेलो लेडीज, क्या हो रहा है? आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा, जहाँ अली खड़ा मुस्कुरा रहा था। हम तो पार्टी इंजॉय करें, आप कहाँ से आ रहे हैं? आयशा ने प्यार से भाई को देखकर कहा। वैसे अली, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसी लड़की को इंप्रेस करने की फिक्र में तो नहीं हो? नीदा ने शरारत से अली की तैयारी को देखा। ओह शुक्रिया ज़रा नवाजी आपकी, वरना बंदा इस काबिल का। मैं तो खैर से शुरू से इतना प्यारा हूँ। हाँ वो अलग बात है कि आपको महसूस अब हो रहा है, और मैं लड़की को इंप्रेस नहीं करता, वो खुद ही हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल तुम इतनी तोप चीज़ हो, मलाइका ने इसे चिढ़ाया। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरा भाई लाखों में एक है। आयशा ने अली का हाथ थाम कर कहा। चलो जी, किस्सा ही ख़त्म, नीदा ने दोनों हाथ झाड़ कर कहा। आप क्यों खामोश है? अली ने कनखियों से खामोश बैठी मुकद्दस को देखकर कहा। मुकद्दस, तुम आजकल क्या कर रही हो? अली से चुप रहना गया तो इसने खुद ही मुखातिब कर लिया। कुछ खास नहीं, इसके कहने पर अली ने गौर से देखा, जो सफ़ेद लवाज में सारा चेहरे के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। वो सब बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मलाइका और निदा के साथ वो शुरू से बहुत फ्रैंक था। मुकद्दस के साथ भी ठीक ठाक बातचीत थी, लेकिन जब इसके जज्बात ने मुकद्दस के लिए नया रुख इख्तियार किया, इसे पता ही ना चला। वक्त गुजरने के साथ इस सब पर इसकी पसंदीदगी वाजह होने लगी। बज़ाहिर इनके एक होने में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों मुकद्दस का रवैया इससे मुहतात हो गया था। वो सबसे पहले मुकद्दस से बात करना चाहता था, इसके बाद बड़ों के इल्म में ये बात लाना चाहता था, लेकिन मुकद्दस का रवैया इसे हमेशा बात करने से रोक देता। अब भी इसकी लातअल्लुकी पर वो ठंडी सांस भर कर रह गया। अरे ये आतिफ भाई के साथ कौन आ रहा है? अली ने आतिफ के साथ आते शख्स को देखकर कहा, तो वो सब भी तो देखने लगे। अरे ये तो वही है, मलाइका के कहने पर निदा ने टेबल के नीचे अपनी हील इसके पाँव पर दे मारी। आउच, मलाइका के कहने पर सभी इसकी तरफ मतवज हो गए। क्या हुआ? इससे पहले वो कुछ कहती, आतिफ इस शख्स के साथ इनके पास पहुंच के अली खड़ा हो गया। मैं आपसे जिक्र कर रहा था अपने भाई का, ये है मेरा भाई अली। इस शख्स ने मसाफे के लिए अपना हाथ अली की तरफ बढ़ाया, जिसको अली ने जल्दी से थाम लिया। नाइस टू मीट यू, इसने अली से कहा तो अली मुस्कुरा दिया। सेम टू यू। और अली, ये है वजाहत यजदानी, यजदानी एम्पायर के मालिक, और ये मेरी सिस्टर आयशा और ये इनकी फ्रेंड्स। लेकिन हमारे फैमिली टर्म्स ऐसे हैं कि मैं आप इन्हें भी मेरी बहनें कह सकते हैं। आप सबसे मिलकर खुशी हुई, वजाहत ने इनको देखकर कहा। ये निदा, ये मलाइका और ये मुकद्दस। अपना नाम लेने पर मजबूरन इसे सर उठाकर इस शख्स को देखना पड़ा था, इसके देखने पर इसने ज़ेर लब इसका नाम लिया था। मुकद्दस ने चौंक कर इसकी इस हरकत को देखा। आए, मैं आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ, आतिफ के कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, अली ने मुतासर नज़रों से जाते वजाहत को देखा, और आतिफ के बुलाने पर वो इसकी तरफ चला गया। तो मौसूफ का नाम वजाहत है, निदा ने पुरसोच अंदाज में कहा। वैसे किसी ने खूब सोच समझ कर नाम इनका नाम रखा है। शक्ल सूरत के साथ करोड़ों की जायदाद का मालिक, अमेजिंग। मलाइका काफ़ी मुतासर नज़र आ रही थी। मुकद्दस, तुम्हारा क्या ख्याल है? निदा ने हमेशा की तरह से बीच में घसीटा। मुझे तो काफ़ी अजीब लगे। मतलब? निदा को लफत अजीब कुछ हजम नहीं हुआ। मतलब तो पता नहीं, जो मुझे लगा तुम्हें बता दिया, मुकद्दस ने कंधे उचका कर कहा। चलो छोड़ो यार, सारी भाभी से मिलते हैं, आयशा ने अपनी भाभी का नाम लिया तो वो लोग स्टेज की तरफ बढ़ गए। बच्चों, मामा आपको अपने रूम में, ड्राइंग रूम में बुला रही हैं, ख्यान की आवाज़ पर लिखते हुए इसके हाथ रुक गए थे। कोई काम था? कोई अंकल आंटी आए? ये कहकर ख्यान बाहर निकल गया। मुकद्दस ने एक लम्हा सोचा, फिर दुपट्टा अच्छी तरह सर पर लेकर बाहर निकला। ड्राइंग रूम में दाखिल होकर सलाम किया तो वहाँ मौजूद सब लोग इसकी तरफ मतवज थे। आओ बेटा यहाँ आओ, वहाँ बैठी औरत ने इसको अपने पास बुलाया तो वह इनके पास आ गए। माशाल्लाह सालिया, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, इनकी बात पर सामने बैठी सालिया मुस्कुरा दी। मुकद्दस तो हमें नहीं जानती होगी। क्यों बेटा, जानती हो? इनके इस्तफसार पर इसने सर नफी में हिला दिया। मेरा नाम आसमा और ये मेरे शोहर कदीर है। मैं आयशा के वालदे, आयशा की वालदा की कज़न हूँ। कल आतिफ की निगाह पर हम आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आपने हमें नहीं देखा। बेटा किस सब्जेक्ट में एम ए कर रही है? कदीर साहब ने इससे पूछा। मास्टर इन इंग्लिश। साले कल जब मैंने मुकद्दस को देखा तो सच पूछो मेरा दिल खुश हो गया। आजकल के दौर में इतनी सादा बच्चियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। घर जाकर मैंने कदीर से कहा, मुकद्दस कितनी देर से हमें नज़र आई, तो कहने लगे अभी कहाँ देर कहाँ हुई है, तो आज हम यहाँ हैं। अपनी बात के इख्तिताम पर वो खुद हंस पड़ी तो कदीर साहब और सालिया भी मुस्कुरा दिए। मुकद्दस ने सवाली नज़रों से माँ को देखा कि अब मैं जाऊँ? इसका इशारा समझकर सालिया मुस्कुरा दी। मुकद्दस बेटा तुम जाओ और कलसुम के यहाँ चाय भेज दो। कलसुम को चाय का कहकर वो कमरे में आ गई, लेकिन काम के लिए जो एक सुई से दरकार थी अब वो नहीं रही थी। इसने फाइल बंद कर दी और लेट गई। मुकद्दस बेटा ये कौन सा टाइम है सोने का? सालिया बेगम ने कमरे में दाखिल होते लाइट ऑन कर दी तो मुकद्दस ने मुंदी मुंदी आंखों से खड़ी को देखा, जहाँ 7 बजे थे। उठकर बैठ गई। क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? इन्होंने इसके सते हुए चेहरे को देखा। नहीं बस रात को भी लेट सोई थी और अब टेस्ट की तैयारी में थक गई हूँ। इसने अपना सर इनकी गोद में रख दिया। मुकद्दस जी, इसने बंद हुई आंखों के साथ जवाब दिया। तुम्हें पता है ये लोग क्यों आए थे? नहीं, ये लोग अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आए थे। जब इन्होंने बात की तो कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी। इन्होंने मुकद्दस के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा तो इसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और गौर से माँ का चेहरा देखने लगी, जिनकी आंखों में पानी भरने लगा था। बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? इन्होंने भराई हुई आवाज़ में खुद कलामी की। मामा आप रो रही हैं? मुकद्दस परेशान होकर उठ बैठी। मामा इधर देखिए, मैं कहीं नहीं जा रही। इसने जल्दी से इनका चेहरा हाथों में लेकर इन्हें मतवजा किया। इसके इस तरह परेशान होने पर वे एकदम हवासों में आ गए।
पागल मैं तो एक बात करी थी, बेटियां तो होती पराई हैं, ऐसे ही मैं तो इतनी जल्दी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। माँ को मुस्कुराते देखकर इसने एक बार फिर अपना सर इनकी गोद में रख दिया। सफियान नाम है, इंजीनियर है, इनका इकलौता बेटा है, तीन बहनें और सब शादीशुदा हैं, बहुत सादा से लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, यकीन तुम्हारे पापा को भी पसंद आएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुकद्दस इनकी बातें गौर से सुन रही थी, चौंक पड़ी। मैं क्या कह सकती हूँ, जो आपको ठीक लगे, इसने कहकर आंखें बंद कर ली तो साले बेगम ने गौर से इसका चेहरा देखा और इसकी परेशानी चूमकर मुस्कुरा दी। बन्नो मेरी पिया के घर जाकर हमें भूल ना जाना, निदा ने अपनी भोंडी आवाज़ में सुर और ताल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इसने पास पे ट्रे को उठाकर बजाना शुरू कर दिया। निदा खुदा के लिए अपना भों भों बंद करो, मेरा सबर जवाब दे रहा है, मलाइका ने गुस्से से ट्रे इसके हाथ से ले ली। यार मुकद्दस यू आर सो लकी, इन आंटी को मैं नज़र नहीं आई, निदा ने मसनूई दुख का इजहार करते हुए ठंडी आ भरी। आयशा ने एक नज़र इसे देखकर अफसोस से सर लाया। वैसे मुकद्दस सफियान भाई वाकई अच्छे हैं, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, इस मामले में तुम वाकई खुशकिस्मत रही, जैसा तुम चाहती थी वो वैसे ही है। आयशा ने रिश्तेदारी की बिना पर इसे मालूम पहुँचाई। वैसे शक्ल के कैसे है? मलाइका ने चाट की प्लेट से इंसाफ करने के बाद पूछा। ठीक है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो इनको काफ़ी हैंडसम होना चाहिए, निदा के कहने पर आयशा ने इसे देखा। तुम अपना अंदाज़ा अपने पास रखो, तुम्हारी सारी बातें गलत साबित हो रही है, सफियान भाई की कोई मंगनी नहीं टूटी और ना ही वो फ्लर्टी हैं। क्यों, इन्होंने तुम्हें बताकर फ्लर्ट करना था? निदा ने तनक कर आयशा को जवाब दिया। जी नहीं, वो ऐसे नहीं लगते, लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है। खैर अगर ये अपनी है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मुकद्दस खुश रहे, हमें और क्या चाहिए, और इस दिन वाली बात तो एक मजाक था। निदा के संजीदगी से कहने पर मुकद्दस ने नज़र उठाकर इसे देखा। निदा आयशा मजाक कर रही थी, मुकद्दस ने निदा का हाथ पकड़ कर इसे अपनी तरफ मतवजा किया। इसकी संजीदगी को मलाइका और आयशा ने भी हैरत से देखा, क्योंकि वो बहुत कम किसी बात को माइंड करती थी। इन्हें परेशान देखकर निदा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कम मौन यार, मैं कभी संजीदा नहीं हो सकती, इसके मुस्कुराने पर वो तीनों भी मुस्कुरा दी। कलसूम कोई आया क्या? ड्राइंग रूम में से बातों की आवाज़ सुनकर वो सीधी किचन में आ गई। जी बाजी, वो साहब से मिलने कुछ लोग आए, आपके लिए खाना लगाऊं? कलसूम के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ, फिर, इसने अपना कॉलेज बैग उठाते हुए कहा। जब वो कपड़े चेंज करके आई तो तब तक मेहमान जा चुके थे। वाह भाई, आज बिरयानी पकी है? बिरयानी देखकर इसकी भूख चमक गई। अभी इसने एक चमचा मुंह में डाला था कि इसने इफ्तखार साहब के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनी। इसने परेशानी से चमचा वापस प्लेट में रख दिया और उठकर इसके कमरे के तरफ आ गई। इसने सारी ज़िंदगी अपने बाप को इतनी ऊँची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। अजीब पागल किस्म के लोग हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई रिश्ता नहीं करना, फिर वही रट, आप सोच लें, दौलत ने इन लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है। वो बहुत गुस्से में साले बेगम से मुखातिब थे। इफ्तखार प्लीज़, क्या हो गया? वो लोग आए और चले गए, आप क्यों इतना गुस्सा करें? हमने कह दिया जो हमने कह दिया कि कोई बात नहीं करनी, तो बस बात ख़त्म। मैं आज ही कदीर साहब को हाँ कर देता हूँ। कुछ देर बाद इसने इफ्तखार रजा को कहते सुना तो वही इन्हीं कदमों से वापस लौट आए। इनकी गुफ्तगू समझने से कासिर थी। कलसूम एक कप चाय बना दो, दो तीन चमचे खाने के बाद इसने प्लेट को पीछे सरका कर कलसूम से कहा। मामा चाय पियेंगी? साले बेगम कंदराता देखकर इसने पूछा। हाँ तुम बैठो, मैं ले लेती हूँ, इसको उठता देखकर इन्होंने रोक दिया। चाय का कप लेकर इसके सामने बैठ गई और पुरसोच नजरों से चाय को देखने लगी। मुकद्दस ने इनके परेशान चेहरे को देखा तो बहुत हिम्मत करके पूछ बैठी, मामा पापा इतने गुस्से से क्यों बोल रहे थे, सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात नहीं, तुम्हारे पापा ऐसे ही टेंपर लूज कर गए थे, वैसे भी वो लोग कुछ अजीब थे। फिर किसी ख्याल से चौंक कर इन्होंने खोजती नज़रों से मुकद्दस का चेहरा देखा। तुम किसी वजाहत को जानती हो? नहीं, क्यों? मुकद्दस ने हैरिसन से पूछा। बस ऐसे वो वजाहत जिस दानी का प्रपोजल लेकर आए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे पापा, फ़ोन की घंटी पर इनकी बात अधूरी रहेगी। वजाहत यस दानी, इसने ज़ैरलब नाम को दोहराया। ये नाम कहाँ सुना? इसने शहादत की उंगली से अपनी कनपट्टी को दबाया, जाने किसके ज़ेहन में झमाका हुआ। आतिफ भाई के पास इसके मुँह से सरगोशी के अंदाज़ में निकला। वॉट? आयशा की बात पर इन दोनों की चीख पे साख्ता थी, जबकि मुकद्दस ने सिर्फ नज़र उठाकर इन्हें देखा। वजाहत यजदानी का प्रपोजल मुकद्दस के लिए, तुम्हें किसने बताया? मलाइका ने हैरानी के झटके से निकलने के बाद आयशा से पूछा। वो लोग अम्मी और अब्बू से बात कर रहे थे कि वो इफ्तिखार अंकल को समझाएं, इत्तफाकन मैंने इनकी गुफ्तगू सुन ली। आयशा ने कंधे उचकाकर कहा, मुकद्दस तुम्हें पता था? निदा ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। हाँ कल मामा ने बात की थी, लेकिन इतनी वाजे नहीं कि मैं तुम लोगों को बताने वाली थी। मुकद्दस ने इन तीनों को खूनखवार नज़रों को देखकर जल्दी से वजाहत दी। अंकल इनकार क्यों? मुझे तो हैरत है, इतना अच्छा रिश्ता तो आजकल के दौर में खुशकिस्मती से मिलता है। निदा ने कुशन उठाकर गोद में रख लिया। सच्ची मेरे लिए आया होता तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाती, आयशा ने दोनों आंखें मीच कर कहा। इसलिए तुम्हारे लिए नहीं आया, मलाइका के मुँह से एकदम निकला, जबकि आयशा ने ज़्यादा गौर करने की ज़हमत नहीं की। ये रिश्ता वजाहत यजदानी की एमा पर आया। आयशा की बात पर इन तीनों ने सवालिया नज़रों से देखा। देखो इस दिन आतिफ भाई के निकाह पर सिर्फ वजाहत यजदानी मौजूद है, इसकी फैमिली नहीं, तो लाजमी बात है कि इसकी पसंद पर रिश्ता आया, क्योंकि इसकी फैमिली तो दूर की बात है, इससे हम सबकी दूर दूर तक कोई वाकफियत नहीं, इसलिए इस दिन वो बात हमसे कर रहा था, घूर मुकद्दस को रहा था। मलाइका ने पुरसोच अंदाज में कहा। निदा ने शरारे से मुकद्दस को देखा, जो कारपेट पर आड़ी टेढ़ी लाइंस खींचने में मसरूफ थी। मुकद्दस, निदा के ज़ोर से पुकारने पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। कहाँ गुमो? निदा ने इसे पूछा। वजाहत यजदानी के ख्यालों में, आयशा के कहने पर वो तीनों कहका लगा कर हंस पड़ी।
मुकद्दस ने खशम की नज़रों से इन्हें देखा। यार फजूल मत बोलो, ये अजीब मुसीबत है, पहले सफियान साहब और अब ये वजाहत यज़दानी। मुकद्दस ने उकताए हुए लहजे में कहा, तुम बहुत ना शुक्रियो, इतने मासी वाले हुलिये में दो लोग तुम्हें पसंद करके तुम बेजार हो। यहाँ तो वो हिसाब है, हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार। पता नहीं आज लोग कल के लोगों को टेस्ट को क्या हो गया। इतनी खूबसूरत तीन लड़कियाँ बैठी थी, उन्होंने ये मोहतरमा भागी। खासतौर पर मुझे इस वजाहत यज़दानी पर दुख हो रहा है। मैं तो इसे देख कर समझी थी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, इसे मैं नज़र नहीं आई। लगता है अपनी नज़र की ऐनक खरी भूल आया था। जो चीज़ ज़्यादा साफ और सफ़ेद और चमकती हुई नज़र आई, इसने सोचा यही अच्छी है। वजाहत यज़दानी, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारा जहाज़ यहाँ लैंड कर गया, मेरे सपनों का महल बसने से पहले उजड़ गया। नीचे की दहाई पर इन तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। फ़ोन की बेल पर इसने गर्दन घुमाकर टेलीफोन की तरफ देखा तो फिर अपना ध्यान टीवी पर मरकूज़ कर दिया। लेकिन 5-6 बेल्स पर जब किसी ने फ़ोन रिसीव ना किया तो मजबूरन इसको उठना पड़ा। हेलो, इसके हेलो कहने पर कुछ तौकफ़ के बाद दूसरी तरफ से किसी ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, किससे बात करनी है आपको? मुकद्दस के लिए आवाज़ कतई अजनबी थी। आपसे, दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने इसकी पेशानी पर शिकने नमूदार कर दी। आप मुकद्दस हैं? वो फ़ोन रखने वाली थी जब इसने सुना, इसने हैरानी से रिसीवर को कान से हटा कर देखा। जी, इसकी आवाज़ में हैरत नुमाया थी जिसकी दुशाई दूसरी तरफ महसूस कर लिया कि इसलिए जब वो बोला तो हंसी का आंसर गालिब था। कैसी हैं आप बोल कौन रहे हैं? अब मुकद्दस ने चिंचला कर पूछा। वजाहत यज़दानी, मुकद्दस ने एकदम अपनी धड़कन की तेज़ी महसूस की। मेरा ख्याल है आप मुझे पहचान गई, इसकी खामोशी को महसूस करके इसने कहा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैंने अपने फादर को 2 मरतबा आपकी तरफ भेजा लेकिन दोनों मरतबा इनकार किया गया। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, इनकार का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ के होंगी, मैं फिर फ़ोन करूँगा। लाइन मनकता होने पर वो जैसे होश में आ गई। अच्छे खासे मौसम में इसने अपने पाथे पर पानी के कतरे महसूस किए। वो कांपती टांगों के साथ सोफे पर बैठ गई। इसको फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? सबसे पहला सवाल इसके जहन में यह है, इस तरह बात करने का मतलब क्या, मैं क्या समझूँ? इसने मुझे समझ क्या रखा है? इसने गुस्से से सोचा। दोनों टांगों को सोफे पर रखकर अपने बाजू इनके गिर्द लपेट लिए। पागल, इसने गुस्से से सोचा और पास पड़ा हुआ रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। मुकद्दस, इफ्तिखार रजा की आवाज़ पर इसने चौंक कर इन्हें देखा। बेटा ऐसे क्यों बैठी हो? जी ऐसे ही, वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। आजकल मेरा बेटा कहाँ मसरूफ़ होता है, पापा के लिए टाइम ही नहीं। इनकी बात पर शर्मिंदा हो गई। पापा आजकल टेस्ट हो रहे हैं इसीलिए। अच्छा फारिग हो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे बात करनी है। वो इनके पीछे इनके कमरे में आ गई। साले ने तुम्हें सफियान के बारे में बताया होगा? वो जो बहुत गौर से इनका चेहरा देख रही थी अपनी नज़र चुका ली। जी तो बेटा, वो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, हमारे जैसे हैं। सबसे अहम बात कि इनका और हमारा मजाज मिलता जुलता है। मैं सफियान से मिला, मुझे बच्चा अच्छा लगा। अगर तुम्हें कोई इतराज़ ना हो तो मैंने हाँ कर दूँ। पापा मैं इतराज़ क्यों करूँ, कि आपको जो बेहतर लगता है वो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ झिझक कर बोली। हाँ बेटा बोलो। इफ्तिखार साहब जो बहुत गौर से इसे देख और सुन रहे थे बोले, पापा मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुकद्दस के कहने पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पगली तो ज़रूर करो, अभी तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे, मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी को खुद से दूर थोड़ी करूँगा। इन्होंने इसे साथ लगा लिया। मैं पापा को इस फ़ोन के बारे में बता दूँ? इसने एक पल को सोचा। नहीं, ऐसे पापा परेशान हो जाएंगे, वो आदमी क्या कर सकता है। इसने सर झटक कर सोच को भी झटकने की कोशिश की। और जनियाँ बहुत ही बन गया ना कुड़ियाँ कि नहीं भाई मैं ये परेशानी बताऊँगी तो परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डंगर ज़माने दिए तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, आपके फादर आपको सारी दुनिया से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यही बात जब उनको बाहर से किसी गलत वे में पता चलेगी तो वो फिर जब आपके ऊपर पड़ेंगी तो फिर आपका ट्रस्ट तो जाएगा ना खोते जे। बेटा तुम्हें कुछ कहने? इफ्तिखार साहब ने इसके चेहरे पर कश्मकश के आसार देख कर कहा। कुछ नहीं पापा, तुम मेरे फैसले पर तसल्ली रखो क्योंकि मैं अपनी बेटी की नेचर और पसंद अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने समझा कि शायद वो इस रिश्ते से डर रही है तो इसने अपना सर इनके सीने पर रखकर आंखें बंद कर ली। इसने अपने गिट फैले इनके बाजू में तहफ़ महसूस किया था। बड़ा तहफ़ महसूस किया ना, यही तेरा तहफ़ है कि तू दस नहीं सकी अपने बाप न। पापा मुझे आप पर पूरा यकीन है। इसकी बात पर मुस्कुरा दी। इफ्तिखार, एहसान भाई आए हैं। साले बेगम ने अंदर आकर आयशा के वालिद का नाम लिया। खैरियत? इन्होंने परेशानी से पूछा। पता नहीं आप चले। मुकद्दस ने इनसे अलग होकर इनका परेशान चेहरा देखा और फिर एक नज़र माँ को देखा। इनके चेहरे पर भी घबराहट थी। चलो, इन्होंने उठते हुए कहा। इनके बाहर निकलते मुकद्दस बाहर निकल आए। एहसान, रिश्ता बराबरी के लोगों में अच्छा लगता है। वो लोग बहुत अमीर हैं और इनको देखकर अंदाज़ा होता है काफ़ी मॉडर्न भी है। मुकद्दस की नेचर को तुम भी जानते हो कि वो इन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम जानते हो वो कितनी सादा मजाज है। ऐसी बेजोड़ शादियाँ ज़्यादा देर नहीं चलती और मेरी बच्ची में मेरी जान है, मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। ड्राइंग रूम के आगे से गुजरते हुए मुकद्दस ने आवाज़ सुनी तो वहीं रुकी। तुम शायद उम्र की बात करो इफ्तिखार, 10-11 साल का फ़र्क कोई इतना खास तो नहीं है। और फिर वो लोग इतनी चाह कर रहे हैं। मुकद्दस को अंदाज़ा हो गया बात किस मौजू पर हो रही है। इफ्तिखार, बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, असल बात बताओ। इन्हें परेशान देख कर एहसान साहब ने कहा। इनकी बात पर इफ्तिखार साहब ने बेख्तियार ठंडी सांस ली।
हाँ एहसान, ये वजूहत अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह कि मुझे इस लड़के की रेपुटेशन ठीक नहीं लगी। वो पहले शादीशुदा है और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है। अब तुम बताओ वो कितना अच्छा हो सकता है। अंदर बैठे एहसान साहब ने जो महसूस किया होगा, मगर बाहर खड़ी मुकद्दस के इर्द-गिर्द धमाका हुआ था। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद इसके वालिद ने मुझे बताई है। बकौल इनके वो सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ता रखना चाहते हैं। अब तुम खुद बताओ, मैं जानते बूझते कैसे मुकद्दस को कुएं में धकेल दूँ। मुकद्दस ने इफ्तिखार रजा की थकी थकी से आवाज़ सुनी। इफ्तिखार, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि मैं खुद बेटियों वाला और मुकद्दस को तो मैं बिल्कुल आयशा की तरह समझता हूँ। मैं तो सिर्फ इनके बार बार इसरार की वजह से आ गया था। मुझे माफ़ करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं इस बात का इलम था। इन्होंने दाएँ हाथ से अपना बाया हाथ दबाया। एहसान साहब को पशेमान देखकर इफ्तिखार रजा ने बेख्तियार इनका हाथ पकड़ लिया। एहसान, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुकद्दस को अपनी बेटी समझते हो। छोड़ो इस किस्से को, वैसे भी आज मैं कदीर साहब को हाँ करने वाला हूँ। इसके बाद इनमें क्या बात हुई मुकद्दस सुन नहीं सकी क्योंकि वो वहाँ से हट गई थी। निदा अपनी हेलो जी ते वजाहत साहब थे वो निकले, तलाक याफ्ता निकले। निदा अपनी मंगनी की खुशी में ट्रीट दे रही थी, लेकिन अभी ने जाने का मसला था। मैं अली से कहती हूँ, आयशा ने कहकर घर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद अली आयशा के साथ आता दिखाई दिया। गाड़ी में बैठे पांचों अफराद खामोश थे। इस खामोशी को सबसे पहले मलाइका ने तोड़ा था। क्या बात है, आज सब चुप है। अली तुम इतना बोलते हो, क्या डांट पड़ी है? मलाइका की बात पर अली मुस्कुरा दिया। लगता है किसी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसके संजीदगी से कहने पर मलाइका खामोश हो गई। अली शर्मिंदा हो गया, फिर खुद ही बोल पड़ा, निदा मंगनी मुबारक हो, नवाजिश है जनाब की, तुम भी करा लो ताकि मुझे भी मुबारक देने का मौका मिल जाए। इसकी बात पर महज मुस्कुरा सका। मुकद्दस तुम्हें भी मुबारक हो। अली ने मिरर से पीछे बैठी मुकद्दस को कहा। मुकद्दस ने नज़र उठाकर सामने मिरर में देखा जहाँ से वो इसे देख रहा था। थैंक्स, इसने चेहरा दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ लिया। इसके बाद दोबारा इनमें कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो सारा रास्ता उलझन में ही रही क्योंकि वो जानती थी दो आंखें बार बार इसे देख रही है। गाड़ी से उतरकर मुकद्दस ने सकून का सांस लिया। अली इसके बारे में क्या सोचता है वो जानती थी और इसकी खामोशी की वजह भी जानती थी, लेकिन वो अली के बारे में वैसा नहीं सोच पाई थी जैसा वो इसके लिए सोचता था। इसे अली से हमदर्दी थी लेकिन मोहब्बत नहीं। चलो भैया ऑर्डर करो, लेकिन सोच समझ कर, निदा ने इन्हें पहले ही वार्न कर दिया। ये अली कहाँ रह गया, निदा ने अली को ना पाकर कहा। वो किसी काम से गया आ जाएगा, आयशा ने कहकर नजरें मेन्यू कार्ड पर दौड़ानी शुरू कर दी। सफियान भाई, वो खाने में मसरूफ थे। जब इन्होंने आयशा की आवाज़ सुनी तो सब दरवाजे की तरफ देखने लगे जहाँ से एक लड़की और दो आदमी दाखिल हो रहे थे। इनमें से सफियान साहब कौन से, मलाइका ने आयशा से पूछा। वो ब्लू शर्ट वाले, वो, निदा की हैरत से भरपूर आवाज़ आई। फिर इसने मुकद्दस को देखा जो सर चुका है कोक के सिप लेने में मसरूफ थी। चलो हम चलते हैं, खाने से फारिग होने पर मलाइका ने कहा तो निदा ने वेटर को बुलाकर बिल पे कर दिया। अरे आयशा आप, सफियान आयशा को देखकर इनकी तरफ आ गया। आप यहाँ कैसे, आयशा के पूछने पर वह गड़बड़ा गया। और ये कौन है, आयशा ने एक और सवाल कर दिया। ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरी कॉलीग नाजिश है, सफियान के तारीफ करवाने पर लोग मुस्कुरा दी। ये मेरी दोस्त है और ये मुकद्दस है, आपको पता होगा, आयशा ने शरार से सफियान को देखा जिसने कनखियों से मुकद्दस को देखा जो फर्श को देखने में मसरूफ़ थी। जी देखा तो नहीं था, नाम से ज़रूर वाकिफ हूँ, सफियान के कहने पर तीनों खिलखिला कर हंस पड़ी जबकि मुकद्दस ने अपना चेहरा कुछ मोड़ लिया। अच्छा सफियान भाई, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, अब चलते हैं, इजाज़त लेते हैं, मुकद्दस ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाए थे। रास्ते में आयशा ने अली से पूछा। अली, सफियान भाई की से जो लड़की थी तुम इसे जानते हो, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मैंने इसे सफियान भाई के ऑफिस में देखा, अली ने आयशा की मुश्किल आसान कर दी। नहीं मैंने इसे कहीं और देखा है, आयशा ने अपने दिमाग पर जोर दिया। हाँ इनके घर देखा है, आयशा ने चुटकी बजा कर कहा। यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, आयशा ने अपनी सोच का इजहार कर दिया। छोड़ो यार, वैसे भी तुम कह रही थी तुम्हारे सफियान भाई बहुत शरीफ है, निदा ने इसकी बात याद दिलाई। हाँ लेकिन तुमने कहा था ना लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है, छोड़ो ये फजूल बहस, निदा को मुंह खोलता देख मलाइका ने कहा, वरना कोई पता ना था वो यहीं से लड़ना शुरू कर देती। मुकद्दस बजाय बाहर देख रही थी लेकिन इसने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। मैंने तो सफियान भी को दुदुदा तो ले आने लग रहा, ये तैयारियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा तैयार मिलता है। सारे बेगम की जिन लाई हुई आवाज़ बाहर बैठी मुकद्दस मुस्कुरा दी। अभी मंगनी है तो ये हाल है, शादी पर पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, इफ्तिखार साहब ने देख कर कहा जो चीज़ें उठाकर रख रही थी। तब मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगी, इनकी बात पर इफ्तिखार साहब का कहकर बेसाख्ता था। टेलीफोन की बैल पर मुकद्दस ने मुस्कुरा कर फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, सफियान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनकर वो हैरान रहेगी। आप यकीनन हैरान होगी लेकिन मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ, चूँकि कल चूँकि मंगनी है तो मैंने सोचा पहले ही बात कर लूँ। मुकद्दस ने घबराहट महसूस की थी। देखिए आप मुझे गलत मत समझिएगा, कल मैंने आपको देखा, आप मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चादर मत लें। हमारे घर का माहौल भी ऐसा है, मैं मम्मी को इनकार नहीं कर सका, लेकिन मैं अब इन सब बातों से उकता चुका हूँ। मुझे मॉडर्न लड़की अच्छी लगती है, इतनी बड़ी चादर में इंसान बैकवर्ड लगता है। आप सुन रही है ना, इसकी खामोशी महसूस करके इसने पूछा। जी चलिए ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात पर गौर करेंगे, अल्लाह हाफिज़। मुकद्दस ने रिसीवर वापस रख दिया। ये शख्स कैसा है जो अपनी होने वाली बीवी से कह रहा चादर लेना कैसा मजहबी है जो अपनी होने वाली बीवी से कह रहा चादर लेना छोड़ दो। मुकद्दस ने दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। ये मुझे क्या हो जाता, कभी कोई फ़ोन करके कुछ कहता तो कभी कुछ।
इस फ़ोन के साथ इसे वजाहत यज़दानी का फ़ोन भी याद आ गया। इसने गुस्से से सोचा, आज रात को मुझे देर हो जाएगी किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। इफ्तिखार रज़ा ने नाश्ता करते हुए कहा, आज ही वापसी हो जाएगी ना? साले बेगम ने इन्हें उठता देकर कहा, जी कह तो रहा हूँ। अच्छा मुकद्दस क्यान, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने दोनों का माथा चूम कर कहा। काले से वापसी पर घर में कदम रखते से काफ़ी खामोशी का एहसास हुआ। लाउंज में इसकी पहली नज़र परेशान हाल साले पर पड़ी। ममा क्या हुआ? वो देरी से इनकी तरफ बड़ी, इसे देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। इन्हें मुसलसल रोता देखकर परेशान होगी, क्यान अभी तक नहीं आया। इनकी बात पर मुकद्दस की नज़रें घड़ी की तरफ गई थी जहाँ 3 बज रहे थे। लेकिन वो तो 2 बजे आ जाता है। हाँ मैंने स्कूल भी फ़ोन किया लेकिन वो कह रहे हैं वो कब का चला गया। इन्होंने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। मामा चुप हो जाए, मैं इसके दोस्तों से पता करती हूँ। मुकद्दस ने डायरी पकड़कर इसके सब दोस्तों को बारी बारी फ़ोन किया लेकिन सब ने ला इल्मी का इजहार किया। अब मुकद्दस भी घबरा गई। इसने मलाइका के घर फ़ोन किया। इसके भाई मौसी ने बताया कि वो काफ़ी देर इसका इंतजार करते रहे लेकिन वो वैन में नहीं आया, तो वैन वाले अंकल समझे वो घर चला गया। मुकद्दस कितनी देर रिसीवर पकड़े इससे बैठी थी। कुछ पता चला? इसे ऐसे बैठा देखकर साला बेगम ने इसका कंधा हिलाया। मामा मैं स्कूल जाती हूँ। मुकद्दस ने एक नज़र खड़ी को देखा जो 4 बजा रही थी। मुकद्दस में इफ्तिखार को फ़ोन करूं? मम्मा पापा को परेशान मत करें, मैं पहले स्कूल देखूं फिर पापा से बात कर दें। गाड़ी तो पापा ले गए। वो सीधी निदा के घर आई। लाउंज में ही निदा इसे मिल गई। निदा प्लीज़ मुझे जल्दी से कार की चाबी दो, इसने निदा को देखते कहा। खैरियत? निदा ने इसकी उड़ी रंगत देखकर पूछा। नहीं क्या, अभी तक घर नहीं आया, मुझे इसके स्कूल जाना है। अब इसकी आंखों में आंसू आ गए। निदा घबरा गई, इसने जल्दी से चाबी से पकड़ाई। मैं भी साथ चलूं? मुकद्दस ने अपने पीछे आती निदा को आवाज़ सुनी। नहीं तुम सिर्फ दुआ करो ख्याल मिल जाए, इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। स्कूल के गेट के करीब गाड़ी खड़ी करके कितनी देर वो खाली इमारत को देखती रही। सारा स्कूल वीरान पड़ा था, अगर वो यहाँ ना हुआ। खाली इमारत इसका दिल हौला रही थी। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाती इसने अपने पीछे खयान की आवाज़ सुनी। बच्चों, वो जल्दी से पीछे मुड़ी। पीछे खयान खड़ा था, वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। खयान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खयान को गले लगाते इसके आंसू निकल गए। इससे पहले वो मजीद सवाल पूछती इसने खुद पर किसी के साए को छाते देखा तो वो आंसू साफ करके फ़ौरन मुड़ी। अपने पीछे खड़े वजाहत यज़दानी को देखकर इसे एक पल के लिए अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई थी। इसके देखने पर मुस्कुराया तो जैसे होश में आई। इसने एकदम खड़े होकर ख्यान का हाथ पकड़ा। ख्यान? वजाहत ने मुकद्दस पर से नज़रें हटाकर ख्यान को पुकारा। जी भाई। ख्यान की ताबेदारी पर मुकद्दस ने हैरान होकर ख्यान को घूरा। आप गाड़ी में बैठो, इसके कहने की देर थी। वो मुकद्दस से हाथ छुड़ाकर गाड़ी में बैठ गया। मुकद्दस हक्का बक्का ख्यान को देख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी क्योंकि आपके फादर इस्लामाबाद गए हुए, तो ख्यान को लेने आपको ही आना था। मुकद्दस ने चौंक कर इस शख्स को देखा जो इसको कैसे पता चला, इसने हैरत से सोचा। ख्यान आपके पास था? इसने अपने शक की तस्दीक चाही। वजाहत ने महज उनकारा भरने पर इतफ़ा किया। इसने जाने के लिए कदम बढ़ा दी जब वजाहत यज़दानी का हाथ इसके रास्ते में हायल हो गया। मेरी बात अभी शुरू नहीं हुई आप और आप जा रही हैं, इस खटिया हरकत का मतलब? मुकद्दस ने गुस्से से पूछा। इसकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। रास्ता छोड़े, सुनसान रास्ता उतरती हुई शाम के साए और सामने खड़ा ये शख्स इसके लिए काफ़ी परेशान कौन थे। मैंने इस दिन फ़ोन पर आपसे कहा था कि अपने पेरेंट्स को समझाए लेकिन बजाय समझाने के आप मंगनी करेंगे, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं इसे हासिल करके रहता हूँ हर कीमत पर। आपको शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी, मैं आपको चीज़ लगती हूँ? दौलत के नशे में पागल हो गए आप, दूसरा इंसान आपको इंसान नहीं लगता। ये आपकी गलत फहमी है कि इस तरह की हरकतों से मैं डर जाऊँगी? आप खुद को समझते क्या हैं? आपसे शादी करने से बेहतर मैं जहर खाकर मर जाऊँ। गुस्से से मुकद्दस का चेहरा थमथमाने लगा। वो जो बहुत गौर से इसे देख रहा था मुस्कुरा दिया। मैं सोच रहा हूँ आप खामोश ज़्यादा अच्छी लगती हैं या गुस्से से बोलती हुई? चलो जी, अगला बंदा तड़फ तड़फ के ख़त्म हो गया तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि खामोश चंगी लग रही है गुस्से के बीच। हो गई गल वजाहत साहब, अपनी बात कैसा जवाब सुनकर इसका दिल चाह सामने खड़े इस शख्स का मुंह नोच ले। फिर वो इसका एकदम संजीदा हो गया। मरने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अब एक बार फिर समझा रहा हूँ, मेरे अलावा किसी के बारे में सोचना भी मत। किसी और के नाम की अंगूठी पहनने की गलती मत करना, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो अब आपसे तुम पर आ गया। अभी तो ख्यान तुम्हारे साथ जा रहा है लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं कर सकती। तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर वाले सबकी एक एक पल की खबर रखता हूँ, इसका अंदाज़ा भी तुम्हें हो गया होगा। वो मुस्कुराए। तुम मेरे टेम्परामेंट को ज़रूरत से ज़्यादा आजमा चुकी हो, अभी तुम जाओ अच्छी तरह सोचो अब मेरी जवाब मेरी सोच के मुताबिक होना चाहिए वरना नतायज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं रात को फ़ोन करूँगा, अटेंड ज़रूर करना वरना आगे तुम खुद समझदार हो। वो उसको देखे बगैर इसके लहजे की सफाकी महसूस कर सकती थी। कुछ देर बाद इसने गाड़ी स्टार्ट होने और फिर जाने की आवाज़ सुनी। वो खुद को घसीटते हुए गाड़ी तक आई। क्यान सीट पर बैठे बैठे सो गया था। घर का रास्ता इसने किस तरह तय किया वो नहीं जानती। इसे दूर से गेट पर खड़ी सालिया बेगम नजर आ गई थी। क्यान को देखते हुए साख्ते इसकी तरफ पड़ी। क्यान की खुशी में इन्होंने इसके सफ़ेद पड़ते रंग को नहीं देखा था। निदा के रोकने के बावजूद वो सीधी घर आ गई और कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। सोच सोच कर इसका सर फटने लगा था। वो इसकी बात को महज धमकी समझ कर नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके लहजे की सफाकी इसको अब तक महसूस हो रही थी। क्यान को स्कूल से ले जाना और इस बात का सबूत था वो कुछ भी कर सकता। मैं क्या करूँ? इसने अपना सर तकिए पर गिरा दिया और कुछ देर बाद वो फूट फूट कर रो दी। अपने पेरेंट्स को बताओ और तो की करना।
किसी चीज़ की आवाज़ से इसकी आँख खुली, कुछ कच्ची नींद और कुछ कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो समझ नहीं सकी। मुकद्दस, दरवाज़ा खोलो। अब दस्तक के साथ साले बेगम की आवाज़ आई। वो हड़बड़ाकर उठी। लाइट चलाने के बाद इसने दरवाज़ा खोल दिया। कब से दस्तक दे रही हूँ कि सो गई थी? इन्होंने एक नज़र इसकी सुर्ख आंखों को देखा। जी, तुम्हारे पापा आगे तुम्हें बुला रहे हैं, आप चले, मैं आती हूँ, इसने हाथों में बालों को सीधा करते हुए कहा। हेलो पापा, आपका टूर कैसा रहा? इसने अपने चेहरे पर बशाशत पैदा करते हुए कहा। टूर तो अच्छा रहा, मगर तुम मुझे अच्छी नहीं लग रही, इन्होंने बगौर इसकी त्रिवी सूरत देखकर कहा। मैं ठीक हूँ पापा, इन्होंने नज़रें झुका कर कहा, क्योंकि आंखों में आंसू जमा होने लगे थे इसने। मुकद्दस, यहाँ आओ, इन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। इसके बैठते ही इन्होंने अपना बाजू फैलाकर इसे अपने साथ लगा लिया। मुकद्दस, तुम तो मेरी इतनी बहादुर बेटी हो, अपनी माँ की तरह नहीं, छोटी छोटी बात पर रोने बैठ जाओ। मैं यहाँ नहीं था, पीछे से तुमने खयान को ढूंढ लिया, मुझे तो ये सुनकर इतनी खुशी हो रही है, तो वो एकदम इनके सीने से लगकर रोने लगी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, इन्होंने इसका चेहरा ऊंचा कर लिया। डर किस बात का बेटा, खयान आ गया ना, वो बता रहा था जिसके साथ वो रहा है वो बहुत अच्छा शख्स था, तुम भी तो मिली हो इससे, खयान का तो वो दोस्त बन गया। इफ्तिखार रजा की बात पर इसका रंग उड़ गया। इन्होंने इसकी परेशान शक्ल देखी तो मुस्कुरा दिया। मुकद्दस, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही बात कह रहे हैं यार, आपका फादर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके ऊपर जान छिड़क रहा है, आपकी इतनी केयर कर रहा है, तो आप उसको बताओ, क्यों नहीं बता रहे? पापा, आप मेरे साथ हैं ना, इसकी बात पर मुस्कुरा दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं हर वक्त हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। चलो मुँह ठीक करो, कल तुम्हारी मंगनी है, क्या सोचेंगे वो लोग? अब खाना खाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, इन्होंने इसकी पेशानी चूम कर कहा। अभी इसने कुछ नवाले लिए थे जब फ़ोन की घंटी बजी। बैल की आवाज़ पर इसके हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में गिर गया। कितनी देर बैल होती रही, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तब इफ्तिखार रजा दरवाज़ा खोलकर बाहर चले आए। इनके कितनी दफ़ा हेलो के बावजूद कोई नहीं बोला। वो अपने कमरे में चले गए। मुकद्दस ने सामने पड़ी प्लेट को एक नज़र देखा। अब इससे खाना खाना मुश्किल हो गया था। तभी फ़ोन फिर बज उठा। इसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। कुछ देर बाद जब इसने कान हाथ हटाया तो बैल बंद हो चुकी थी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जब एक बार फिर इसने फ़ोन की घंटी सुनी। इसने खौफजदा नज़रों से फ़ोन को देखा। इसे लग रहा था वो भी फ़ोन से बाहर निकल आएगा। वो भागने के अंदाज में कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वजाहत ने चंचला कर फ़ोन को देखा और बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ करके मोबाइल बेड पर उछाल दिया, बाहर टेरेस पर निकला और सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगा लिया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर इसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। यस, काफ़ी देर बाद जब इसको आवाज़ सुनाई नदी, उसने मुड़कर देखा तो जल्दी से हाथों में जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया और उंगली से बालों का संवारता हुआ अंदर आ गया। दादी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? वजाहत ने घड़ी की तरफ देखा जो वो 2 बजा रही थी। तुम भी तो जाग रहे हो, वो मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई तो वो भी मुस्कुराता हुआ इनके सामने बैठ गया और सर इनके घुटनों पर रख दिया। वो इसके बालों में हाथ फेरने लगी। वजाहत बेटा, अगर तुम कहो तो हम एक बार फिर इन लोगों के घर जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वजाहत ने आँखें बंद ही रखी थी। तो फिर तुम इसे भूल जाओ, अब इसने चौंक कर सर उठाया। ये नामुमकिन है दादी माँ, मैं इसे नहीं भूल सकता और ना ही छोड़ सकता हूँ। कल नहीं तो परसों इसे हर हाल में यहाँ आना, इज्जत से बात की तो इनकी समझ में नहीं, अब मुझे और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। आमना खातून ने खोजती हुई नज़रों से इसकी सुरख आंखों को देखा। बेटा, लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है, और फिर जैसे आप चाहते हैं इसे तो तकलीफ़ देने का, जिसे आप चाहते हैं इसे तो तकलीफ देने का तसव्वुर सोचते भी नहीं है। कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे वो लड़की टूट जाए। इनकी बात पर वजाहत नज़रें चुरा गया। आप गलत समझ रही हैं दादी माँ, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा। इसकी बात पर वो बेख्तियार मुस्कुराई। हाँ, मुझे अपनी तरबियत पर फ़ख्र है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिस पर मुझे अफसोस हो। इनकी बात पर इसने एक बार फिर अपना सर इनकी गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। अचानक इनकी नज़र टेबल पर पड़ी, एश ट्रे पर पड़ी, जिसमें काफ़ी तादाद में सिगरेट के जले अध जले टुकड़े पड़े हुए थे। इन्होंने दुख से अपने पोते को देखा जिसमें इनकी जान थी। वजाहत, दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं है, फिर हमारे और इनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है। तुम क्यों खुद को इसके पीछे बर्बाद करो, हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? आखिर में इनकी आवाज़ फहराने लगी तो वजाहत ने जल्दी से आंखें खोल ली और सीधा होकर इन्हें देखने लगा। आपको पता है दादी माँ, मैं आपको दादी माँ क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप मेरी दादी भी हैं और माँ भी। मुझे आपके होते हुए कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई और ना ही किसी दोस्त की। और डैड, इनको छोड़ें, इनके स्टेटस की वजह से तो मुकद्दस को पाने में मुश्किल आ रही है, इसने बेजारी से कहा। और जहाँ तक मुकद्दस की बात है दादी माँ, जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, जो मैं अधूरा था मेरा गुमशुदा हिस्सा मुझे मिल गया। इसे देख कर ही पाकीज़गी का एहसास होता है, वो बिल्कुल अपने नाम की तरह। दादी माँ, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। तो इसकी बात पर आमना खातून भी इख्तियार हंस पड़ी। फिर संजीदगी से बोली, वजाहत, मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे। मानेंगे दादी माँ, ज़रूर मानेंगे। अब तो मुझे ज़िद्द होगी, और जब मुझे ज़िद्द हो जाती तो मैं वो काम करके रहता हूँ। अब तो मुकद्दस खुद हाँ करेगी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि आमना खातून ने चौंक कर इसे देखा। वो कुछ बोलना चाहती थी, जब भी वो बोल पड़ा, दादी माँ परेशान मत हो, बस इनके घर जाने की तैयारी करें, वो इनकी आंखों में देखकर बोला। चलो काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी। इनके जाने के बाद इसने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। दलावर, वजाहत यजदानी बोल रहा हूँ, कल सुबह 8 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलो, काम है। मोबाइल ऑफ करने के बाद वो मुस्कुराया था। आज तेरी मुस्कुराहट है ना, किसी खतरे का पेश कैमा।
सुबह जब वो कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी खामोशी थी, हालांकि वो शोर शराबे की तवक्का कर रही थी। वो किचन की तरफ आ गई। कुलसुम मामा कहाँ है? इसने बर्तन धोती कुलसुम से पूछा। वो जी आपके आने वाले ससुराल गए, इनका फ़ोन आया था। वो हैरान होने से ज़्यादा परेशान होगी, रात को मंगनी का फंक्शन तो सुबह सुबह मामा पापा को बुला लिया, क्या वजह हो सकती है? वो वहीं किचन में बैठ गई। नाश्ता करने के बाद वो लाउंज में आ गई, तभी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर नीदा और मलाइका ने अंदर कदम रखा। क्या हो रहा है जनाब? हम तो समझते थे तुम हार सिंगार में मसरूफ होगी, मलाइका ने इसे फारिक बैठे देकर कहा। आयशा नहीं आई? इनसे मिलने के बाद इसने आयशा के मतलब पूछा। आ रही होगी। लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, आयशा को देखकर नीदा ने कहा। तुम्हें क्या हुआ है? इसकी संजीदगी देखकर इन तीनों को काफ़ी हैरत हुई। मुकद्दस तुम्हें पता है आज सुबह सफियान भाई का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? निदान हैरत से आयशा को देखा। एक्सीडेंट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ लोगों ने इन्हें रोककर मारना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त इनके पास काफ़ी बड़ी रकम थी लेकिन इन्होंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, अभी वो हॉस्पिटल में है। आयशा की बात सुनती निदान ने अचानक मुकद्दस को देखा तो ठिठक गई। मुकद्दस का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मुकद्दस क्या हुआ? निदान ने जल्दी से मुकद्दस का बर्फ़ की तरह सरद पड़ता हाथ थाम लिया। मुकद्दस ने खौफजदा नज़रों से निदान को देखा। मुकद्दस सफियान भाई ठीक है? बस मामूली सी चोटें हैं। आयशा ने जल्दी से इसके करीब आकर इसे तसल्ली दी। वो समझी शायद वो एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गया। भाई गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ देखने लगी। आंटी अंकल आगे अपना चेहरा सही करो, मलाइका ने मुकद्दस का आवाज़ लाकर कहा। तो इसने जल्दी से आंख में आए आंसू साफ कर लिए। अंकल सफियान भाई कैसे? इफ्तिखार रजा को अंदर आते देखकर आयशा ने पूछा तो इन्होंने एक नज़र मुकद्दस का चेहरा देखा जो सर झुका है बैठी। बेटा वो ठीक है, फंक्शन शाम को ही होगा, वो मुस्कुराकर अंदर चले गए। मुकद्दस हम शाम को मिलते हैं, मलाइका और आयशा ने खड़े होकर कहा। निदा तुम चल रही हो? नहीं तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊँगी। इसके जाने के बाद निदा मुकद्दस के साथ इसके कमरे में आ गई। मुकद्दस बात वो नहीं है जो नज़र आ रही है, तुम मुझे परेशान कम और खौफजदा ज़्यादा लग रही है, जो मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? निदा ने इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा तो वो जो कब से जब्त कर रही थी रोने लगी। निदा ने कदरे परेशान नजरों से देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। निदा वो वजाहत यजदानी, ये सब इसने करवाया? वजाहत यजदानी, निदा ने हैरानी से नाम दोहराया। तब मुकद्दस ने सारी बात बता दी। मुकद्दस आर यू मैड? इतने दिन से तुम इस खटके आदमी के फजूल की खाली धमकियाँ सुन रही हो और तुम्हें अंकल से बात करनी चाहिए थी? मैं भी यही कह रही हूँ। देखो रिकॉर्डिंग आज मेरा बोल के ना गला बैठ गया, मैं वो भी नहीं ले सकती, गोली भी नहीं खा रही क्योंकि ना वो मैं आप में से किसी का मुझे कमेंट आया था कि ना ये कैंडी गोली खाते वक्त ना वो रिकॉर्डिंग ना किया करें, तो मैंने कहा अभी इसको ख़त्म करके फिर खाऊंगी, दैन इंग्लिश रिकॉर्डिंग करूंगी। खाली धमकियाँ? मुकद्दस ने दुख से निदा को देखा। इन्हें तुम खाली धमकियाँ कहती हो? पहले ख्यान को ले जाना और अब ये मारपीट? निदा ने सर उठाकर मुकद्दस को देखा जिसने अपना सर दोनों हाथों में थाम कर रखा था। सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब थी। मुकद्दस तुम कुछ अरसा के लिए कहीं चली जाओ किसी रिश्तेदार के घर, निदा के कहने पर मुकद्दस ने सख्ती से आंखें बंद करके खोला। निदा घर का फ़ोन नंबर, पापा के आने जाने का पता, ख्यान की स्कूल टाइमिंग, सफियान से मेरी मंगनी का पता और फिर सफियान किस तरह वक्त ऑफिस जाता है, तुम क्या समझती हो? इसे इल्हाम हुआ है हमारे घर की एक एक खबर इससे रहती है, इसलिए तो मैंने पापा से बात नहीं की। अगर इन्होंने कुछ कहा तो वो कहीं इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, वो बहुत ख़तरनाक है। तो तुम अकेली क्या करोगी? मैं क्या करूँगी निदा, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुकद्दस ने रोते रोते अपना सर निदा की गोद में रख दिया लेकिन बेबसी के एहसास के तौर पर सिर्फ रो सकती थी मुकद्दस की तरह। भाई साहब हम बहुत शर्मिंदा लेकिन आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें, हम रिश्ता नहीं कर सकते। जिन लोगों ने सफियान को मारा इनके सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, अगर हमने यहाँ रिश्ता किया तो वो खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को मार देंगे। हमारा एक ही बच्चा है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे पता है कि आज मंगनी थी लेकिन हम मजबूर हैं। कदीर साहब की आवाज़ पर इफ्तिखार रजा ने अपना झुका सर उठाया। जी मैं समझ सकता हूँ आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ। कदीर साहब ने उठते हुए कहा और बाहर निकल के मेज पर पड़े हुए लवाजमात इसी तरह पड़े थे, कमरे में मौजूद नफूस खामोश थे। बाहर खड़ी मुकद्दस पर लर्जा तारी हो गया। सिर्फ मेरी वजह से मम्मा पापा को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, इसने दुख से सोचा। डोरबेल पर ख्यान बाहर की तरफ भागा। कुछ देर बाद इसने आयशा के अम्मी अब्बू और अली और आयशा को आते देखा। बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? इसके सलाम के जवाब में आयशा की अम्मी ने पूछा और इसके ड्राइंग रूम की तरफ इशारा कर दिया और किचन में आयशा को ले कर आ गए। क्या लोगी? कुलसुम को ड्राइंग रूम में भेजकर इसने आयशा से पूछा। जूस, आयशा ने क्लासेस के हाथ से लेते हुए इसे देखा जो बहुत चुप थी। मुकद्दस सफियान भाई और उनके घर वालों ने जो किया बहुत अफसोस हुआ, मेरे नहीं ख्याल वो लोग तुम्हारे काबिल थे, इतना कहकर वो चुप होगी। तुम पता है अम्मी अब्बू क्यों आए? कुछ देर बाद इसने आयशा की आवाज़ सुनी थी, वो सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम्हें अपनी बहू बनाने अली का प्रपोजल लेकर आए हैं। वो हैरान रहेगी, तो क्या कभी जिस शख्स को मैं अच्छा नहीं समझती थी ये शख्स मेरी किस्मत में था, अब तो मुझे भी रद्द कर दिया गया। वो खुद पर हंसी थी, एक तलख मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ था लेकिन साथ ही आंखें भी पानी से भर गई। आयशा ने सिर्फ इसकी मुस्कुराहट देखी। अली तो इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि अंकल इनकार नहीं करेंगे। तभी आयशा की अम्मी सालिया बेगम के साथ किचन में आ गई और इसके करीब आते इसका माथा चूम लिया। सालिया अब ये हमारी बेटी है, हम जल्द आएंगे, मंगनी मंगनी नहीं करी थी हमें,
करनी हमें, हम सीधा शादी करेंगे। इनकी बात पर आयशा के साथ साले बेगम भी मुस्कुरा दी। इनके जाते अली आ गया, इसने भरपूर नज़र से मुकद्दस को देखा। अब तुम जल्दी मेरी हो जाओगे। इसके लहजे में फतह का यकीन बोल रहा था। इसने एक नज़र इसे देखने के बाद फर्श को देखना शुरू कर दिया। एहसान साहब की आवाज़ पर इसने एक नज़र इसके झुके हुए सर को देखा। अब फिर कभी तफसील से बात होगी, कहकर वो जल्दी से बाहर निकल के वह एक सांस भर कर रह गई। लाउंज से गुजरते हुए इसने फ़ोन की बेल सुनी तो अपनी जगह उछल पड़ी। इस सारे चक्कर में वो इस शख्स को तो भूल गई थी जिसकी वजह से वो मुसलसल अजाब से गुजर रही थी। वो बेल को इग्नोर करती हुई जल्दी से अपने कमरे में आ गई। वजू करके इसने नमाज की नीयत बांध ली। अभी वो नमाज से फारिग हुई थी जब वो तीनों धमाके के साथ इसके कमरे में दाखिल हुई। यहाँ इतना कुछ हो गया हमें पता ही नहीं चला। मलाइका दोनों हाथ कमर पर रखकर झगड़ालू औरतों की तरह शुरू हो गई तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर वो भी इसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम और अली, अब अच्छा लग रहा है। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग जाने के लिए खड़ी होगी। बैठो तो मुकद्दस ने इतनी जल्दी देखकर कहा। नहीं यार रात होगी, हम तो खुशी के मारे निकले, सुबह मुलाकात होगी, मलाइका ने कहकर बाहर दौड़ लगा दी। जबकि तीनों मुस्कुरा दी। मुकद्दस मुझे तुमसे कुछ कहना था, आयशा ने झिझक कर कहा। वो मुकद्दस सब घर वाले चाहते कि तुम इतनी बड़ी चादर मत लिया करो, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन तुम जानती हो अली कितना मॉडर्न है। फिर इसका सर्कल ऐसा, इतनी बड़ी चादर अजीब लगती है, अली भी कह रहा था इस तरह तो खूबसूरती छुप जाती है। आयशा की बात पर कई नागवार रंग इसके चेहरे पर आए, लेकिन वो सर झुका कर रहा कि कोई और वक्त होता तो आयशा को इस बात का जवाब देती, लेकिन पे दर पे इतने हादसा हुए थे कि इसका इत्माद लड़खड़ा गया। आयशा मुकद्दस पहले भी तो ऐसी थी, अब ये क्या एतराज़ क्यों? निदा ने मुकद्दस का सुरख पड़ता चेहरा देखकर पूछा। भाई जो सारे घर वाले कह रहे मैंने कह दिया, और फिर जो अली चाहता है वो मुकद्दस को वैसे ही होना चाहिए, आखिर वो इसका होने वाला शौहर है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, वो पहले हुक्म जमाने लगा और तुम दोस्त कम नन ज़्यादा बन गई हो, निदा ने कहा। प्लीज़ बस करो, बात की बाद में देखी जाएगी, मुकद्दस के कहने पर दोनों खामोश हो गए। ओके चलती हूँ, सुबह मिलते हैं, बाय। दिमाग ख़राब हो गया इसका, आयशा के जाते निदा ने कहा। मुकद्दस मेरा ख्याल है अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, शायद अली के लिए अल्लाह ने रास्ता हमवार किया, और अली को तो हम बचपन से जानते, तुम इसे वजाहत यज़दानी के बारे में बात करो वो ज़रूर समझ जाएगा। निदा की बात पर मुकद्दस तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। अली से बात करूं जो अभी से मुझ पर अपनी हुक्मरानी साबित करने की कोशिश में जद किया, और मेरी बचपन की दोस्त, इसको नहीं देखा तुमने, किस पर यकीन करूं? अली से शादी के बाद क्या पता ये मेरे लिए ताना बन जाए, यहाँ वजाहत यज़दानी से निजात के लिए अली से शादी कर सकती हूँ, इतना कहकर वो खामोश हो गई। निदा निदा ने चौंक कर मुकद्दस की तरफ देखा जो किसी सोच में गुम थी। अली का कहना है वो मुझे पसंद करता है, अगर पसंद करता तो इसी हाल में करता, ये कैसी पसंद है कि इसे मुझे अपने साथ खड़ा करने में शर्म आएगी। वो सफियान कदीर भी मुझसे यही कहता था कि चादर छोड़ दो, ये बैकवर्ड लगता है मुझे। मोहब्बत तो ये है कि पसंद तो ये है कि मैं जैसी हूँ मुझे कोई वैसी अपनाए। नुमाइश ज़रूरी है? मेरा सिंगार, मेरी खूबसूरती सिर्फ मेरे शौहर के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, ये कैसी मोहब्बत है? मुकद्दस खुद कलामी के अंदाज़ में बोली थी। निदा ने इसके शाने पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। ज़्यादा मत सोचो, लस पर सब छोड़ दो। हाँ यही बेहतर है, इसने गहरी सांस लेकर निदा को देखा। बात तो सही है यार मुकद्दस की, कि वो जैसी है आप पसंद का अगर दावा करें तो वो जैसी बंदी है उसको वैसे पसंद करो ना। जी तो गाइस कैसा लगा आपको ये नावल का स्टार्ट? आज इसकी फर्स्ट एपिसोड थी, कल इंशाल्लाह इसका लास्ट पार्ट एडिट करेंगे। कैसा लगा आपको नावल? अब इस पर भरपूर रिस्पॉन्स दे दीजिएगा, नहीं तो मैंने आपसे पक्के वाला नाराज़ हो जाना। अच्छा मेरा तो वैसे आजकल चैनल छोड़ के जाने को दिल कर रहा है, मैं चैनल पर जाने को दिल नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए चैनल पर जाती रहती होती थी। अब आप लोगों ने देखा होगा मैं एपिसोड से पहले आप लोगों को रिस्पॉन्स देती हूँ जो कमेंट्स करते हैं, मेरा तो जाने को दिल नहीं करता, आप लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है। तो मैं बड़ी ऐसी बंदी हूँ, और फिर आगे घर में मसरूफियात भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हैं, तो मैं भज भुज गई ना, तो मैं फिर तानूला बना नहीं कि अगर मेरी रूटीन ख़राब होगी तो काइंडली इसके ऊपर अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। ये ना कहिएगा मैं धमकियाँ लगा रही हूँ, मैं ऐसा कर भी जा सकती हूँ। अच्छा तो नेवर अंडर एस्टिमेट मी। तो अब मुझे जा रहे थे क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए दूसरा एपिसोड, दूसरा तायरल होती वाले मैंने अपने रीडर्स के लिए भी अपने उनके लिए एपिसोड रिकॉर्ड करनी है। सुबह मुझे टाइम नहीं लगना, कल मैंने बाज़ार जाना है, तो अभी आपके लिए कर लेती हूँ। तो मुझे भी इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे कल न्यू एपिसोड के साथ। इसका कल एंड होगा और दोनों नावल आया करेंगे अब, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों आएंगे, किसी का भी मैं नहीं रखूँगी, लेकिन मुझे दोनों पर रिस्पॉन्स चाहिए, भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, मुझे जा रहे थे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।